दोस्तों, ये गीता दत्त की अंतिम यात्रा की आखिरी तस्वीर है, जिसमें क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। बुलबुल हमेशा के लिए खामोश हो गई। आखिरी सफर में सिर्फ चंद अजीजों और दोस्तों ने साथ दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है, गीता दत्त का बड़ा लड़का अरुण दत्त माँ की अर्थी पर फूल चढ़ा रहा है। लोग आखिरी दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे सचिन देव बर्मन और आरडी बर्मन गम की तस्वीर बने हुए हैं। और दोस्तों, इस तस्वीर में शायद यहाँ पर मोहम्मद रफी साहब दिख रहे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि गीता दत्त का इंतकाल 20 जुलाई को हो गया। और इस तस्वीर में हम गीता दत्त के आखिरी चेहरे का दीदार कर सकते हैं। मुझसे मिलने की जितनी जल्दी हुआ करती थी, उतनी ही जल्दी गीता ने इस दुनिया से जाने में भी दिखाई। ये वक्त का सितम नहीं तो और क्या। वक्त ने प्यासा का रिकॉर्ड और मुझे एक ही साथ याद आ रही हैं अपने जीवन की बहुत सारी सुख भरी दुख भरी घड़ियां। लेकिन वो सब आपको बताकर क्या करूंगी। मेरे मन की इस समय की हालत का अंदाजा आप अच्छी तरह लगा सकते हैं अगर आप ये जानते हैं कि इस फिल्म के नायक, निर्माता और निर्देशक स्वर्गीय श्री गुरुदत्त मेरे पति थे। आज सा जन्म है, अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। सपनों की उड़ान का कोई अंत नहीं होता है, न वहाँ समय बाधक बन सकता है न सीमाएं। लेकिन जब सपने भंग होते हैं तो कुछ और ही हकीकत सामने आती है। मेरा यार मुझसे छड़ मेरे पतिदेव सही अर्थ में कलाकार थे। वो जो काम भी करते बहुत ही मेहनत और लगन के साथ करते थे और फिल्मों के माध्यम से भी वही कुछ कहने की कोशिश करते थे जो कुछ वो सच्चे दिल से महसूस करते थे। ये इंसान के दुश्मन, समाज के दुनिया। कभी कभी मुझे लगता है कि ये गीत फिल्म के पात्र से भी ज्यादा मेरे अपने भावों का बयान है। न जाओ सैया छुड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज एक ऐसी गायिका की बातें, जब वो उदास नगमे गाती हैं तो आंखों की कोरों पर जैसे आंसू आकर थम जाते हैं। और जब वो
उमंग से भरे गाने गाती हैं तो जैसे मन नाच उठता है। ठंडी हवा काली घटा पानी गई झूमके प्यार लिए डोले। आज के इस वीडियो में आज बातें उस गायिका की जिनकी जिंदगी में उदासी की एक लहर लगातार चलती रही, एक ऐसी गायिका जो असमय हमसे बिछड़ गई। एक ऐसी गायिका जिनके नगमे इतने सालों तक हमारे साथ चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। अभी मैं जवान। आज की इस वीडियो में आज बातें पार्श्व गायिका गीता रॉय की। जो हुए मेरे हम सफर रखते बदल गए। गीता रॉय का जन्म 23 नवंबर 1930 को फरीदपुर में हुआ था। जब वो 12 साल की थी तब उनका पूरा परिवार फरीदपुर से मुंबई आ गया था। ये फरीदपुर आज बांग्लादेश का हिस्सा है। गीता रॉय के पिता जमींदार थे। बचपन से ही नन्ही गीता का रुझान संगीत की ओर था और वो पार्श्व गायिका बनना चाहती थी। गीता रॉय ने अपने संगीत की शुरुआती तालीम ली थी हनुमान प्रसाद जी से। जब वो 16 साल की थी तब सन 1946 में उन्होंने अपना पहला गाना गाया फिल्म भक्त प्रहलाद में, और इस गाने को सुनकर संगीतकार सचिन देव बर्मन इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गीता रॉय में भविष्य की एक नामी गायिका को देखा। उन्हें लगा कि इस लड़की को मौका देना चाहिए। सन 1947 सचिन देव बर्मन ने फिल्म दो भाई के लिए गीता रॉय को गाने का मौका दिया। इस फिल्म में आए दो गाने और दूसरा था ये याद करोगे याद करोगे एक दिन हमको याद करो। इन दोनों गानों की कामयाबी ने गीता रॉय के लिए एक पक्का रास्ता बना दिया, पार्श्व गायिका बनने का एक पक्का रास्ता। गीता रॉय की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो अपने गानों को बड़ी तन्मयता के साथ गाती थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ उनकी आवाज़ में जहाँ लोरियाँ फफती हैं, नन्ही कली सोने चली हवा धीरे आना, तो वहीं दूसरी तरफ क्लब के गानों में भी वो जैसे मदहोश कर देती हैं। बाबूजी धीरे चलना कार में जरा संभलना, और तीसरी तरफ है उनके गाए रोमानी गाने। इस तरह से देखा जाए तो गीता रॉय एक विविध रंगीन गायिका थी। अपने समय की सबसे कामयाब गायिकाओं के बीच में उन्होंने अपनी एक मुकम्मल पहचान बनाई अपनी एक खास सौंधी आवाज़ के ज़रिए। उन्होंने ना कभी किसी की नकल की और ना ही किसी की शैली को अपनाया, बल्कि गायकी की दुनिया में गीता रॉय ने अपना रास्ता खुद तैयार किया था। कैसा जादू बलम तूने डारा हो, कैसा जादू। जहाँ तक सचिन देव बर्मन का सवाल है तो सचिन दा ने गीता रॉय से बहुत अलग अलग गाने गवाए हैं, और सही बात तो ये है कि सचिन देव बर्मन ने गीता रॉय की पूरी रेंज का इस्तेमाल किया है। जैसे सन 1957 में फिल्म प्यासा आई और उस फिल्म में गीता रॉय का ये गाना था। इस गाने की शोखी और मासूमियत देखिए। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने। फिल्म मुनीम जी में सचिन देव बर्मन ने गीता रॉय से ये गाना गवाया था। जो शोखरोज से भरपूर ये गाना सुनिए। जिंदगी है जिंदा, जिंदगी है जिंदा, जिंदगी है जिंदा। जब भी बारिश आती है तो हम याद करते हैं फिल्म काला बाजार को, और
इस गाने को हर बारिश में गुनगुनाते जरूर हैं गीता रॉय की याद के नाम। प्यार का संदेशा लाए पर गीता रॉय उदास नगमों की भी माहिर आवाज थी। फिल्म कागज के फूल फिल्म देवदास में सचिन देव बर्मन के लिए गीता रॉय ने ये गाना गाया था। आलियो शाम सवरे आलियो सचिन देव बर्मन के संगीत से सजी एक फिल्म थी इंसान जाग उठा। इस फिल्म में गीता रॉय और आशा भोसले ने ये कमाल का गाना गाया था। यूं लगता है जैसे दो सखियां एक दूसरे के साथ शरारत और छेड़खानी कर रही हैं। जानू जानू रे कहे खन के है तो रंग न जानू जानू रे। फिल्म बाजी का ये गाना जिंदगी के लिए एक फलसफा लेकर आता है। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले तकदीर बना ले। संगीतकार ओपी नय्यर जोशीले और कमाल के धुनों के बादशाह और उनकी संगीत यात्रा में बहुत सोंग थी और मिट्टी की खुशबू से लबरेज आवाज़ें चलती थीं और यही वजह है कि उन्होंने बिल्कुल अपने करियर की शुरुआत से गीता रॉय को अपनाया अपने कानों और धुनों में। जो हुए मेरे हम सफर रखते बदल। फिल्म 12 o'clock गीता रॉय की आवाज़ संगीत ओपी नय्यर का। फिल्म आर पार हेलो मैं हारी पिया हुई तेरी जीत रे काहे। ओपी नय्यर के साथ फिल्म CID का ये गाना। कहाँ है दीवाने सब कुछ यहाँ है सनम। फिल्म हावड़ा ब्रिज ये क्लब सॉन्ग जैसे लेजेंड बन चुका है। मिस्टर एंड मिसेस 55 का ये गाना सुनिए। सन 1951 की तरफ चलते हैं। फिल्म बाजी के इस गाने की रिकॉर्डिंग मुंबई के महालक्ष्मी स्टूडियो में चल रही थी। यहाँ गुरुदत्त की मुलाकात गीता रॉय से हुई। उस समय गीता रॉय अपनी उम्र के दूसरे दशक में थी लेकिन गायकी की दुनिया का वो एक चमकता सितारा थी और गुरुदत्त एकदम नए निर्देशक थे। उन दिनों में गीता रॉय और गुरुदत्त की दोस्ती हो गई। सन 1953 में बंगाली रस्म से दोनों की शादी हो गई। संगीतकार मदन मोहन के संगीत संसार में भी गीता रॉय बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। फिल्म भाई भाई 1956 में आई थी और मदन मोहन ने गीता रॉय से ये गाना गवाया था। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है। फिल्म अदालत में मदन मोहन के संगीत निर्देशन में गीता रॉय ने ये गाना गाया आशा भोसले के साथ। मन लुट जाएगा उसर से अगर भलका। संगीतकार हेमंत कुमार और गीता रॉय की बात करें फिल्म शर्त का ये गाना सुनिए। हेमंत कुमार के कुछ बड़े विकलता से भरे गानों में गीता रॉय की आवाज़ है। फिल्म साहब बीवी और गुलाम ये गाना। इसी फिल्म का ये गाना सुनकर भला किसके दिल में हलचल ना मच जाती होगी। सन 1950 संगीतकार
रोशन ने फिल्म बावरे नैन के जरिए संगीत की दुनिया में सफलता की तरफ कदम बढ़ाया और गीता रॉय ने उनका साथ दिया इस गाने के जरिए। सन 1950 में फिल्म जोगन आई। इस फिल्म का संगीत बुलू सी रानी ने दिया था और इस फिल्म में गीता रॉय ने मीराबाई की कुछ रचनाएं गाई थीं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। संगीतकार एन दत्ता ने गीता रॉय से फिल्म साधना में ये गाना गवाया था। आपको बता दें कि गीता रॉय ने कुछ नॉन फिल्म गाने भी गाए हैं, जैसे भरत व्यास का लिखा और पंडित निखिल घोष का स्वरबद्ध किया ये गाना। होले होले हवा डोले, कलियों के घूंघट खोले। संगीतकार दान सिंह के लिए गीता रॉय ने अपने करियर के आखिरी दिनों में ये गाना गाया था। मेरे हम नशीं, मेरे हम नवा। 10 अक्टूबर सन 1964 गुरुदत्त इस दुनिया को छोड़ के चले गए। गुरुदत्त की डेथ के बाद दोस्तों घर चलाने के लिए गीता रॉय को दोबारा काम शुरू करना पड़ा। उन्होंने स्टेज शोज भी किए, फिल्मों की रिकॉर्डिंग भी की, लेकिन इस दौरान उन्होंने नशे का दामन थाम लिया था। जिंदगी निराशा के राहों पर चल पड़ी थी। कुछ गाने मिलते थे और गीता रॉय उन गानों के जरिए अपना सारा दर्द अपनी आवाज़ में उड़ेल देती थीं। सन 1971 फिल्म अनुभव। फिल्म अनुभव के लिए उन्होंने जो गाने रिकॉर्ड किए वो उनकी ज़िंदगी के आखिरी नगमे बन गए। 20 जुलाई 1972 गीता रॉय 42 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गई। गीता दत्त एक ऐसी गायिका थीं जिन्होंने भरपूर जीवन नहीं जिया, लेकिन जिनके गानों को भरपूर जीवन मिला। आज भी उनके गानों को सुनकर हम मदहोश होते हैं, उदास होते हैं, हमारे दिल में प्यार के फूल खिलते हैं, आशा और निराशा की लहरें पैदा होती हैं। गीता रॉय चली गई पर रह गई उनकी आवाज़ और उनकी ये पुकार जो अपने करियर के शुरुआती दौर में ही उन्होंने लगा दी थी। बुलबुल हमेशा के लिए खामोश हो गई। दोस्तों गीता दत्त का सिर्फ 42 साल की उम्र में ही निधन हो गया था। मैं आज आपको गीता दत्त के आखिरी दिनों की ऐसी दर्दनाक दास्तान बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। गुरुदत्त के आत्महत्या करने के बाद गीता दत्त की जिंदगी तबाह हो गई थी। गुरुदत्त के जाने के बाद ऐसा वक्त आया कि गीता दत्त अपनी याददाश्त खो बैठी थी। उनकी ऐसी हालत हो गई थी कि वो अपने बच्चों तक को भी पहचान नहीं पा रही थी। अपने पति यानी गुरुदत्त को इस तरह अचानक खो देने का उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा था। हालांकि वक्त के साथ साथ उनकी स्थिति में सुधार तो आया। उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की और गुरुदत्त के जाने के बाद अपने बच्चों की जिम्मेदारी अकेली ममतामयी माँ गीता दत्त पर आ चुकी थी। आर्थिक तंगी की वजह से उन्होंने फिर से गाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रही क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में उनका सबने साथ छोड़ दिया था। उनके सारे गाने आशा भोसले को मिलने लगे थे। उसकी बड़ी वजह थी संगीतकार ओपी नैयर से आशा भोसले की बढ़ती हुई नज़दीकियाँ। हालांकि ओपी नैयर के करियर की शुरुआती दौर में गीता दत्त की सिफारिश की वजह से गुरुदत्त की फिल्म बास और CID में उन्हें संगीत देने का मौका दिया था और वहां से उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। जब गीता दत्त का बुरा दौर आया तो उन्होंने ओपी नैयर को फ़ोन करके अपना दुख जाहिर किया, लेकिन ओपी नैयर ने गीता दत्त की बात को अनदेखा अनसुना कर दिया। इस बात पे मुझे गुरुदत्त के वो गाने के बोल याद आ जाते हैं। ये दुनिया जहां आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है, यहां प्यार की कदर ही कुछ नहीं है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है।
इसके बाद जब ओपी नैयर का करियर ढलान पर आया तो आशा भोसले ने ओपी नैयर से किनारा कर लिया। वापस हम चलते हैं गीता दत्त पर। दोस्तों, गीता दत्त का इतना बुरा वक्त आया कि उन्हें छोटी मोटी फीस लेकर स्टेज शो तक में परफॉर्म करना पड़ा। गीता दत्त एक स्टार सिंगर थी, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन उनकी आखिरी जिंदगी में ये दर्द भी सहना बाकी था कि गीता दत्त के जीवन के आखिरी पड़ाव में एक इवेंट में बहुत सारे सिंगर गाने को जुड़े। इसमें मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर, आशा जी सब थे। लता मंगेशकर जी जब मंच पर आईं तो भीड़ दीवानी हो गई और उनके गाने को भरपूर तालियां मिली। इसी तरह सभी गायकों के स्वागत और गानों को भरपूर तालियां मिली। अंत में जब गीता दत्त मंच पर आईं तो उनको किसी ने पहचाना तक नहीं, किसी ने भी तालियों से स्वागत तक नहीं किया। उन्होंने अपना गाना गाया और चली गई। ये हम खुद महसूस करके सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी स्टार सिंगर गीता दत्त, जिन्होंने इतने अच्छे और बेहतरीन गाने दिए और लोगों का उन्हें ना पहचानना, ये उनके लिए कितनी तकलीफ की बात रही होगी। उन्होंने शराब बहुत पीनी शुरू कर दी, ठीक अपने पति की तरह। नींद की गोलियों और दूसरी ड्रग्स का सहारा भी लिया। सन 1971 में गीता दत्त ने अनुभव फिल्म में गाने गाए। जीवन में इतने तनाव और दुख के दौर में भी उन्होंने इसमें मुझे जान ना कहो मेरी जान और कोई चुपके से आके जैसे गीत गाए, जो आज भी यादगार हैं। अगले ही साल गीता दत्त लीवर की बीमारी की वजह से इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। रेडियो पर उनके मरने की खबर उनके गाए गीत के साथ सुनाई गई, याद करोगे एक दिन हमको याद करोगे। वो सिर्फ 42 साल की थी। ये भी ट्रेजिडी ही थी कि इसके 10 साल बाद गीता के बड़े बेटे तरुण ने सुसाइड कर लिया। उस कमरे में गीता दत्त और गुरुदत्त की फ़ोटो लगी थी जिसमें वे और बच्चे खुश थे और मुस्कुरा रहे थे। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मुकाम पर। कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं, क्या हुए वो दिन।